सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, मगर शुभ चिंतकों की पहचान खुद को करनी पड़ती है। अगर किसी भी मोड़ पर मैं बुरा लगूं तो जमाने को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है जमाने को नहीं। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो एक एक बात हमेशा याद रखो कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। आज का पंचांग 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, रात्रि 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्र पदा नामक नक्षत्र सुबह 4:50 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:33 से 1:58 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार, कोई रहस्य या गलती अभी आपको परेशान कर रही है। किसी सलाहकार या शिक्षक के साथ अपनी चिंताओं को शेयर करें। बुराइयों या बुरा व्यवहार आपके स्वास्थ्य या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय आध्यात्मिकता और ध्यान के बारे में सोचें या राहत के लिए कोई यात्रा करें। आज पूरा दिन किस्मत आपके पक्ष में रहेगी और आपको अनंत संभावनाएं मिलेगी। अपने दिल की सुने और उसके बाद किसी नए कार्य को शुरू करें। आज किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, अपने आप पर विश्वास करना सीखें। यही विश्वास आपको जीत तक पहुंचाएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष सुखद परिवर्तन ला रही है। रिलेशनशिप के साथ खराब संबंधों को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी और इसमें आप कामयाब भी रहेंगे। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। वर्तमान में घट रही घटनाओं का अवलोकन ठीक से करें। स्वभाव में लचीले पर रखे वरना परिवार के कुछ लोगों के साथ के संबंध बिगड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़ें। व्यापार से जुड़े लोगों को काम करने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। अपेक्षा के अनुसार लव लाइफ में प्रगति नजर आएगी। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। ध्यान रखें कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से आपके ही मान सम्मान में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी की अव्यवस्था की वजह से पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी। युवाओं के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने साथी के लिए अधिक समय नहीं निकाल पाएंगे। आपका पार्टनर समझदार है, इसीलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी भी सुखद है। अपने गुप्त रिश्ते को दुनिया के सामने लाने के लिए यह उचित समय है। आज आप दूसरों को प्यार करने और उनसे प्यार पाने की इच्छा रखेंगे। लोगों पर सोच समझकर विश्वास करें, क्योंकि वो आपको गुमराह कर सकते हैं। शांत रहें और अपने दिल की सुने। आपकी सारी चिंताएं आपका पार्टनर और उसका निस्वार्थ इसके ही दूर कर सकता है। रोमांस और अंतरंगता भी आपके कार्ड्स में है। बात करते हैं करियर की। किसी खास की मौत या बीमारी से आज आप असहाय महसूस कर सकेंगे। अचानक प्राप्त हुए धन का सही प्रयोग करें। अभी आप कुछ मजेदार करना चाहते हैं, इसके लिए लॉन्ग ड्राइव या पार्टी का सहारा ले सकते हैं। बुराई और पाप से खुद भी दूर रहें और अपने करीबी लोगों को भी बचाएं। आपका नवीन और विनम्र रवैया आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अपने दिल की सुनने, लेकिन याद रखें, अगर आप किसी की बात सुनना चाहते हैं तो पहले बोलना बंद करना जरूरी है। आज आपका दिन आपके लिए शुभ रहेगा और इससे आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु पारिवारिक लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल में आपका अत्यधिक समय व्यतीत होगा। जिनकी सेहत पहले से खराब थी उनकी सेहत सुधर सकती है।
आज का उपाय। आज आप गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।